नमस्कार साथियों, GK24 टेग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक इतनी बेहतरीन वैकेंसी की, जिसमें अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। साथियों, हम बात करने वाले हैं ASI और स्टेनो की भर्ती की। इसमें अगर आप 12वीं पास आउट हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके अंदर ये जो भर्ती आई है, ये कुछ नए बदलाव के साथ आई है। इसमें छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं, जैसे सिलेबस को लेकर और फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर। इसकी योग्यता, आयु सीमा, वेतन और इसकी अंतिम तिथि, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। इसमें आवेदन किस प्रकार से करना है, हम ये भी बात करेंगे। और साथियों, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप ऑल इंडिया से कोई भी कैंडिडेट इसके अंदर आवेदन कर सकता है, यानी कि पूरे भारतवर्ष से कोई भी कैंडिडेट इसके अंदर आवेदन कर सकता है। इसके अंदर सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है आपको, 5,200 से लेकर 20,200 के बीच 1900 रुपये ग्रेड पे दिया जाता है ASI के लिए। और अगर आप सूबेदार स्टेनो के लिए अप्लाई करते हैं तो 9,300 से लेकर 34,800 के बीच इसमें वेतन दिया जाता है, इसमें 3,600 रुपये ग्रेड पे मिलता है। साथियों, इसकी हम सारी डिटेल देखने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, आप देख सकते हैं ये इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसकी सैलरी 20,200 है और आपके सूबेदार स्टेनोग्राफर जो शीघ्र लेखक होगा उसके लिए 34,000 रुपये सैलरी मिलती है। वहीं अगर हम बात करें इसमें साथियों आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर मांगी गई है, ये सारी क्वालिफिकेशन जब आप फॉर्म फिल करें उस डेट में आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि कुछ भी रनिंग में नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी रनिंग में रहता है साथियों, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और साथियों, वहीं अगर हम आगे बात करें कि इसके अंदर आवेदन कौन कर सकता है, तो पूरे भारतवर्ष से सभी कैंडिडेट इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। चलिए, बिना टाइम वेस्ट के सीधे हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मांगी गई है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, सैलरी क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फेवरेट जो भी आप ब्राउजर चलाते हैं उसके ऊपर आ जाना है। वहाँ पर आपको सर्च करना होगा वैकेंसी, वैकेंसी XYZ.com, ठीक है। तो आप अच्छे से देखें, स्पेलिंग में गलती ना करें, आप वैकेंसी XYZ.com डालेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट जो भी चल रहे हैं, महिला पर्यवेक्षक के बारे में देखना हो, SSB के बारे में देखना हो, लेटेस्ट जो भी अपडेट है रेलवे को लेकर, बैंक को लेकर, एडमिट कार्ड रिजल्ट वगैरह, आंसर की, और स्टेट के अंदर जो भी भर्तियां आती है वो सारी आप देख सकते हैं। बैंक के अंदर, प्राइवेट सेक्टर में आप भर्तियां देख सकते हैं। तो ये सारी भर्ती आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी हम बात करें कि हम देख रहे हैं ASI की पोस्ट के बारे में, तो आप या तो यहाँ पर जो भी आप स्टेट जॉब से हैं इसके अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप सीधे यहाँ पे सर्च करेंगे MP ASI। आपको जो भी भर्ती देखना हो आप यहाँ पे सर्च करेंगे सीधे और सर्च पर क्लिक कर देंगे, तो उस भर्ती की डिटेल आपके सामने डायरेक्ट आ जाएगी, यानी कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल यहाँ पे सर्च करें और डायरेक्ट आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। और आगे हम बात करें इसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, तो ये मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर निकलती है भर्ती, यानी कि इसकी भर्ती कौन करवाता है, आपका पुलिस डिपार्टमेंट करवाता है। पोस्ट के अगर हम बात करें साथियों, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि LDC की भर्ती है। ASI जिसे बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होती है। और सूबेदार की पोस्ट है इसके अंदर स्टेनोग्राफर की, ठीक है। अप्लाई आपको इसका ऑनलाइन ही करना होगा, ठीक है। और आगे हम बात करें इसमें हु कैन अप्लाई, तो इसके अंदर ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आगे अगर हम इसमें सैलरी की बात करें, तो सैलरी आपकी 5,200 से लेकर 20,200 के बीच मिलने वाली है। आगे अगर हम सूबेदार की बात करें, तो इसमें जो सैलरी होगी ये 9,300 से लेकर 34,800 के बीच मिलने वाली है। आगे सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए, तो आपका इसमें रिटर्न एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि ये तीन स्टेप इसके अंदर होती है। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें मध्य प्रदेश के अंदर पोस्टिंग मिलती है आपको। आगे अगर इसमें एज लिमिट की बात की जाए, तो 18 से लेकर 35 वर्ष तक के सभी कैंडिडेट इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसमें कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल आपसे 12वीं मांगी गई है, कुछ डिप्लोमा डिग्री मांगी गई है, और इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 12वीं पास कर रखी है। इसके साथ इसमें CPCT मांगा जाता है, और इसी के साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा जाता है, जिसमें आपका DCA हो या फिर PGDCA हो, या फिर ग्रेजुएशन में आपने कुछ कंप्यूटर की डिग्री की हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर कुछ डिग्री करके रखी है आपने कंप्यूटर के अंदर, तो आपको DCA PGDCA की आवश्यकता नहीं होगी। आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दी गई है साथियों, यानी कि यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड किया जा सकता है। कुछ नई जॉब के अपडेट के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए PEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। किसी भी वक्त इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। बहुत जल्द इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो यहाँ पर आपको यह लिंक ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहीं पर आपको अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी, तो यहीं से आप इसका आवेदन भी कर सकते हैं अपने फ़ोन से। सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी कि आप यहां पे आएंगे, आपको सारी चीजें मिलने वाली है। और साथियों, इसके नोट्स वगैरह ये सारी चीजें भी आपको यहां पे मिल जाएगी। जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, तो इसी के नीचे कुछ लिंक ऐड की जाएगी, जिसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर के पेपर और बाकी के बहुत सी चीजें इसके अंदर आपको मिलने वाली है।
आई होप साथियों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये प्रोसेस पूरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।